भाई निकल चुके हैं और भाई ने पहले लॉन्चिंग कर दी थोड़ी सी, आप देख सकते हो भाई निकल रहा है आगे, लेकिन मैं भाई को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। गाइस भाई तो अभी भी आगे ही है, मतलब भाई को वेट का एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि मैं यहाँ पे भाई को कवर करते चले जा रहा हूँ। तो गाइस इस बार मैंने लॉन्चिंग पहले कर दी है, लेकिन अब देखते हैं कि भाई, ओ भाई, तो गाइस देखो PS4 कैसे निकलती चली जा रही है। हेलो गाइस, दिस इज रोहित एंड वेलकम बैक टू द रोहित रैंडम। सो गाइस, लोगों को बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का कंपैरिजन करना होता है कि पुरानी वाली RC और नई वाली RC, मींस गाइस BS4 और BS6, इन दोनों में पिकअप का क्या कंपैरिजन है और इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस बन सकता है एक ड्रैग में। इसलिए गाइस आज हम लेके आए हैं हमारी RC 125 जो कि BS6 और लेफ्ट साइड में हमारी RC 125 जो कि BS4। तो गाइस जहाँ दोनों बाइक के ईयर की बात करूँ, तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो जो कि हमारी BS4 है वो 2019 मॉडल है, और राइट साइड में जो कि मेरी RC वो 2021 मॉडल है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा है कि एक रजिस्ट्रेशन के ईयर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि गाड़ी जितनी ज़्यादा पुरानी होती चली जाती है इंजन पर भी इफेक्ट पड़ता चले जाता है और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी वीक होती चली जाती है। दोनों बाइक 124 cc के इंजन में मिल जाती है जो 12 Nm टॉर्क के साथ 14 bhp की पावर जनरेट करती है, और बाकी तो आपको गाइस पता ही है कि KTM 125 में बहुत ही कम इनिशियल पावर देती है। आज बिल्कुल वेट भी सेम है, BHP भी सेम है और हमारा टॉर्क भी सेम ही है। बाकी भाई और मेरे वेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, आई थिंक मेरा वेट 62 kg और भाई का आई थिंक 52 या 50 होगा। अब राइडर्स पे ही डिपेंड है कि क्या होता है इस ड्रैग में और कौन विनर रहता है। तो देखते हैं गाइस कि दोनों सेम पावर की बाइक में ड्रैग करके, तो चलिए गाइस हमारी ड्रैग स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं सीधा आपसे ड्रैग ट्रैक पर। तो गाइस आ चुके हैं हमारे ड्रैग ट्रैक पे और आप देख सकते हो मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ हमारी RC 125 BS6 और भाई हमारे ड्राइव कर रहे हैं RC 125 BS4। और जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों ही बाइक का पावर बिल्कुल सेम है, इंजन बिल्कुल सेम है, परफॉर्मेंस भी बिल्कुल सेम है, लेकिन गाइस भाई का वेट मुझसे ऑलमोस्ट 10-12 kg कम है। और देखते हैं कि गाइस इस वेट को लेकर, राइडर्स के वेट को लेकर क्या रिजल्ट निकलता है। और जहाँ तक मुझे लगता है तो BS4 में ज़्यादा पावर थी, मैंने पहले भी ड्राइव करके देख रखी है, लेकिन आज देखते हैं एक प्रॉपरली रेस करके और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए गाइस हमारा फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं, रेडी। तो गाइस निकल चुके हैं और भाई ने पहले लॉन्चिंग कर दी थोड़ी सी, आप देख सकते हो भाई निकल रहा है आगे, लेकिन मैं भाई को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। और मैंने जैसा आपको कहा था कि BS4 में पिकअप ज़्यादा है, और आप देख सकते हो कि गाइस वो कैसा डिस्टेंस बनाती ही चली जा रही है। भाई को दो एडवांटेज मिल रहे हैं, एक तो BS4 में पिकअप ज़्यादा है, इनिशियल पावर ज़्यादा है, गाइस फर्स्ट राउंड आपने चेक किया ही, भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से रेस जीत चुका है। सो गाइस आपने हमारा फर्स्ट राउंड चेक किया ही, मुझे लॉन्चिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, भाई थोड़ा पहले निकल गया था, लेकिन आपने गाइस देखा ही कि मैं भाई को कवर नहीं कर पाया, भाई धीरे धीरे डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाते ही चले गया। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि BS4 में ज़्यादा पावर है और बाकी राइडर्स के भी हम वेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखते हैं गाइस सेकेंड वाले राउंड में क्या होता है। तो चलिए गाइस अब हमारा सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अब हमारी लॉन्चिंग बेस्ट तरीके से हो। तो गाइस इस बार मैंने लॉन्चिंग पहले कर दी है, लेकिन अब देखते हैं कि भाई, ओ भाई, तो गाइस देखो BS4 कैसे निकलती चली जा रही है। मैंने कहा था आपसे कि BS4 में पिकअप ज्यादा है और बाकी तो भाई वेट का एडवांटेज ले ही रहा है। आप देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कवर होते जा रहा है और BS4 बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल रही है। सो गाइस थर्ड वाले राउंड में हमने राइडर स्विच किए हैं और मैं आ चुका हूँ BS4 पे, भाई को हमने दे दिए BS6। तो अब देखते हैं यदि गाइस अब थर्ड राउंड में भी भाई यदि विनर रहा
तो क्लियर हो जाएगा कि राइडर के सिर्फ वेट की वजह से ही ये जो डिस्टेंस आ रहा है। तो चलिए गाइस अब हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है, और उधर से भाई हमको देंगे हॉर्न। तो चलिए गाइस हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं। तो गाइस निकल चुके हैं और ये देखो गाइस यहाँ पे पिकअप, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बढ़िया पिकअप है इसका। भाई तो अभी भी आगे ही है, मतलब भाई को वेट का एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि मैं यहाँ पे भाई को कवर करते चले जा रहा हूँ और ये मैं निकल गया। आई थिंक गाइस भाई ने ब्रेकिंग कर दी थी, इसलिए शायद भाई को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई आगे निकलने में। सो गाइस लास्ट वाले राउंड में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि ये कहाँ पर लिमिटर फेंक रही है, इसलिए मैंने गियर थोड़े से पहले ही चेंज करने की कोशिश की, जहाँ आपने देखा ही कि मैं भाई से थोड़ा सा पीछे रह गया था, लेकिन लास्ट में आपने चेक किया ही कि मैं भाई से बिल्कुल लगकर ही चल रहा था और लास्ट में भाई ने ब्रेकिंग की और मैंने भाई को पीछे छोड़ दिया। इसलिए गाइस हमारे थर्ड राउंड में कोई रिजल्ट समझ में नहीं आया है। अब लास्ट और फोर्थ आखिरी राउंड कर लेते हैं, उसमें रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे गाइस आप समझ ही चुके हो कि इस बाइक में पावर ज़्यादा है, फिर भी गाइस चेक कर लेते हैं हमारे फोर्थ राउंड में। तो चलिए गाइस हमारा फोर्थ राउंड स्टार्ट करते हैं। रेडी? तो गाइस निकल चुके हैं और यहाँ पर आप देखो कि यार ये कैसी भागती चली जा रही है, और आप ये देख सकते हो भाई कैसा पीछे रह रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि BF4 में पावर तो है यार। तो भाई आप देख सकते हो मैं भाई से ऑलमोस्ट बहुत आगे आ चुका हूँ और हमारी BF4 रही बिना। सो गाइस आपने हमारी वीडियो चेक की ही, आई होप आपने चारों राउंड चेक किए होंगे। आपने देखा ही कि चारों राउंड में BS4 बहुत ही बढ़िया तरीके से विनर रही। मैं पहले ही कह चुका था सेम सेगमेंट सेम सीसी सेम पावर सेम इंजन सब कुछ सेम होने के बाद भी BS4 की पावर थोड़ी सी ज्यादा निकली और BS4 BS6 से बहुत ही बढ़िया तरीके से जीत चुकी थी। मैंने जो आपको राइडर्स के वेट का डिफरेंस बताया था वो तो था ही, लेकिन गाइस जब मैं BS4 पर गया तो मेरा वेट भाई से ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपने चेक किया ही कि कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर हो गया। मुझे नहीं पता 2022 के बाद कंपनी ने क्या नौटंकी की है और 125 का इनिशियल पावर क्यों कम कर दिया। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकला हमारी इस ड्रैग का और बहुत ही बढ़िया मजा आया सेम बाइक और सेम सेगमेंट में एक ड्रैग करने का। चलिए गाइस अब इस वीडियो को भी एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। To be the greatest, everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me.